वालेकुम। हमने ब्रेस्ट पैथोलॉजी स्टार्ट की थी, उसमें हमने इन्फ्लेमेटरी चेंजेस देख ली थी, जिसमें वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्यूट मेस्टाइटिस, पेरीडक्टल मेस्टाइटिस, मेमोरी डक्ट एक्टेजिया, फैट नेक्रोसिस। उसको थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगी कि उसमें से आपने क्या याद रखना है कि एक्यूट मेस्टाइटिस में याद रखना है कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से फीजर्स जो होते हैं स्टेफ और इसके इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, और उसको हमें ड्रेनेज करनी पड़ती है। और उसमें क्या होता है, पुरलर निपल डिस्चार्ज होता है। पेरीडक्टल डक्टाइटिस की मेस्टाइटिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, सब एरियोलर डक्ट्स की इन्फ्लेमेशन होती है स्मोकर्स के अंदर, ठीक है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी की जैसे क्या होता है, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाता है, डक्ट ब्लॉकेज और इन्फ्लेमेशन होती है, और उसमें क्या होता है, सब एरियोलर मैस हमें मिलता है और निपल रिट्रैक्टेड मिलता है। जबकि मेमोरी डक्ट एक्टेजिया जो होता है ये पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में होता है। इसमें क्या होता है, सब एरियोलर डक्ट्स की एक्टेजिया हुआ हुआ था, ग्रीन ब्राउन जो है निपल डिस्चार्ज हो रहा होगा उसमें, प्लाज्मा सेल्स होंगे। फैट नेक्रोसिस में कौन से सेल्स होंगे, जॉइंट सेल्स होंगे, और वो ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी पेशेंट की, और मेमोग्राफी में हमें कैल्सिफिकेशन मिलेगी। यही हमने डिस्कस किया था, 1 मिनट में हमने रिवाइज कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाली जो हमारी बिनाइन ट्यूमर्स हैं और फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस हैं ब्रेस्ट की, जो कि अभी मैलिग्नेंट नहीं हुई, जस्ट बिनाइन है या फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी डक्ट्स होती हैं और ये लोब्यूल्स होती हैं ब्रेस्ट की, ठीक है, और ये आगे की तरफ निपल की तरफ ओपन हो रही होती है, निपल के इर्द गिर्द एरियोलर रीजन होता है। एक बात बतानी है कि ये जो दरमियान वाला सारा येलो कलर का आपको रीजन नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली इसके अंदर स्ट्रोमा होता है, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, कनेक्टेड टिश्यू होता है, और इसमें जो है क्या होता है, हमारे फैट्स होती हैं, ठीक हो गया, फैटी टिश्यू होता है। अब स्ट्रोमा जो होता है वो दो तरह का होता है, जो हमारे लोब्यूल्स को कवर कर रहा होता है उसको हम इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा कहते हैं, इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा, ठीक है। और जो हमारी दो लोब्यूल्स के दरमियान में होता है, फॉर एग्जांपल इसके और इसके दरमियान में होगा, ये वाला हमारा इंटरलोबार स्ट्रोमा होगा, ठीक हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो हमने डिसीज़ पढ़नी है वो है फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको यहाँ से देखते हैं, फिर हम बुक से देख लेंगे। फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस में क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि फाइब्रो मींस के यहाँ पे फाइबर्स होंगे, सिस्टिक मींस के यहाँ पे सिस्ट बनेंगे, मतलब कि हमारी ब्रेस्ट के अंदर फाइबर्स, ठीक है, फाइब्रोसिस हुई होगी, फाइबर्स नहीं फाइब्रोसिस हुई होगी, ठीक है, और सिस्ट बने होंगे, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है प्री जो हमारे पास मेनोपॉजल वुमेन होती है ना, अगर आगे हमने जितनी भी फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस पढ़नी है ना, हमने पढ़नी है फाइब्रोसिस्टिक चेंज, हमने पढ़नी है इंट्राडक्टल पेपिलोमा, फाइब्रोएडिनोमा, ये तीनों जो है ना प्री मेनोपॉजल वुमेन में हो रही होगी, मेनोपॉज से पहले होगी। एक हमारे पास इसमें ट्यूमर आएगा फाइलॉइड्स ट्यूमर, जो कि पोस्ट मेनोपॉजल में होगा। तो फाइब्रोसिस्टिक चेंज किस में होगी, प्री मेनोपॉजल में होगा, मेनोपॉज से पहले होती है, इट मींस हार्मोन सेंसिटिव है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास फाइब्रोसिस हो जाती है ब्रेस्ट में और सिस्ट बन जाते हैं, ठीक है, सिस्ट बन जाते हैं। अब ये स्ट्रोमा के अंदर ही बनेंगे ना ये सारे, तो जब इसके अंदर इस तरह से बनेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास इसको हम कहते हैं लंपी बम्पी ब्रेस्ट। मोस्टली ये कहाँ पे होती है, आउटर, जो हमारे पास अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे ये फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस आती हैं। और इनको जब हम देखते हैं ग्रॉस एग्जाम में तो हमें ब्लू डोम अपेयरेंस मिलती है, ठीक हो गया। अब इसमें जो है ना फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस में, एक तो हमें फाइब्रोसिस मिलेगी, एक हमें सिस्ट मिलेंगे, लेकिन ये होता है कि ये कैंसरस में कैंसर का इंक्रीज रिस्क नहीं होता कि अगर किसी की ब्रेस्ट में फाइबर्स या फाइब्रोसिस या सिस्ट बने हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको कैंसर में कन्वर्ट करने में टेक पार्ट करती है, ठीक हो गया। वो क्या क्या है कि अगर तो हमें फाइब्रोसिस, सिस्ट्स और उसके साथ हमें एपोक्राइन मेटाप्लेजिया मिलता है, मींस क्या एपोक्राइन मेटाप्लेजिया मींस कि ये जो नॉर्मल हमारी है क्यूबॉइडल एपिथीलियम है डबल लेयर्ड, अगर इसकी जगह एपोक्राइन सेल्स आ जाए, जो हमारे जैसे स्वेट ग्लैंड के सेल्स होते हैं उस तरह के सेल्स आ जाए, तो एपोक्राइन मेटाप्लेजिया हो जाएगा, फिर भी हमारे पास कैंसर का रिस्क नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन आती है कि वहाँ पे हमारे पास क्या है कि फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस के साथ साथ क्या हो रहा है, डक्ट्स का हाइपरप्लेजिया हो गया, मींस के यहाँ पे क्या हो गया, जो डक्ट्स हैं उनके अंदर सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोलीफ्रेट कर रहे हैं, हाइपरप्लेजिया हुआ हुआ है उनका, ठीक है। और साथ में क्या हुआ हुआ है, ये जो हमारी ये हमारे जो लोब्यूल्स हैं ये भी अपने नंबर में ज़्यादा हो गया। फॉर एग्जांपल ये ग्रेप्स का एक गुच्छा आपको लग रहा है, कुछ 10 या इनके अंदर, अगर ये फॉर एग्जांपल इसे डबल या ट्रिपल हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े लोब्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एडिनोसिस, ठीक है, एडिनोसिस। तो अगर किसी की डक्ट के अगर किसी के फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस के साथ साथ क्या हो रहा है कि एपोक्राइन मेटाप्लेजिया हुआ हुआ है डक्ट्स के अंदर, और दूसरा ये कि उसको जो है वो
क्या हुआ वह है सेक्लोराइजिंग एडिनोसिस हुई हुई है, मीन्स उसके लोब्यूल्स भी ज़्यादा हो गए हैं नंबर में, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 times इंक्रीज रिस्क करता है कैंसर का। फिर तीसरी चीज़ आती है कि हमारे पास डक्टल हाइपरप्लेजिया नहीं है बल्कि एटिपिकल हाइपरप्लेजिया है, मीन्स के सेल्स तो इंक्रीज हुए हुए हैं लेकिन वो एटिपिकल हो गए हैं, मीन्स कि उनके अंदर कैंसर सेल्स की करेक्टरिस्टिक आना शुरू हो गई है, उनके न्यूक्लियर की जो है न्यूक्लियर साइज चेंज हो गया है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो गया है, या प्लियोमॉर्फिक सेल्स हो गए, कैंसर की करेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो गई है, तो फिर कैंसर का रिस्क जो है वो 5 times हो जाएगा। ये बात होती है। तो व्हाट आर द फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस ऑफ द ब्रेस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट के अंदर क्या होंगे, फाइब्रोसिस होगी, सिस्ट बने होंगे, ठीक है, फाइब्रोसिस होगी, सिस्ट बने होंगे। ये मोस्ट कॉमन किस में होता है, प्री मेनोपॉजल में होता है, हॉर्मोन मेडिएटेड होता है, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास जो फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस होती हैं, फाइब्रोसिस हुई होती है, सिस्ट बने होते हैं, उसकी वजह से लंपी बम्पी ब्रेस्ट हो जाती है। मोस्ट कॉमन कहाँ पे, अपर आउटर क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब जो सिस्ट होते हैं वो ब्लू डोम अपेरेंस देते हैं, ये मैं आपको इसकी जो है पिक्चर दिखा दूंगी, ब्लू डोम अपेरेंस आती है, ये जो हमारे पास सिस्ट बने होते हैं इनकी वजह से, ठीक है। और ये हमारे पास बिनाइन कंडीशन होती है कि ये कैंसर का जो है कार्सिनोमा का रिस्क नहीं होता, फाइब्रोसिस्टिक रिलेटेड चेंजेस, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जिसमें हमारे पास इंक्रीज रिस्क होता है, तो वो हमने पढ़ ली है कि अगर तो एपोक्राइन मेटाप्लेजिया हुआ है साथ साथ, मतलब कि वो जो सेल्स हैं वो एपोक्राइन नेचर के हो गए हैं, तो फिर कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर डक्टल हाइपरप्लेजिया और सेक्लोराइजिंग एडिनोसिस हुई भी है, ठीक है, तो फिर 2 times इंक्रीज रिस्क हो जाता है। और अगर एटिपिकल हाइपरप्लेजिया के साथ ये एग्जिस्ट कर रही हैं फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, तो 5 times इंक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ द कार्सिनोमा। तो ये बात है। अब हमने बात करनी है एक और चीज़ की जिसको हम कहते हैं इंट्राडक्टल पेपिलोमा। उसमें क्या होगा, ये जो हमारी अंदर होगी ना डक्ट के अंदर, ऐसे जो है पेपिलरी प्रोजेक्शंस बन जाएंगी, ठीक है, ऐसे पेपिलरी प्रोजेक्शंस बन जाएंगी। पेपिलरी प्रोजेक्शंस जब बनेंगी हमारी जो है इर्द गिर्द हमारे ल्यूमिनल और मायोपिथेलियल सेल्स होंगे, लेकिन वो आगे की तरफ प्रोजेक्शंस दे रहे होंगे, पेपिलरी प्रोजेक्शंस जो फाइब्रोवैस्कुलर इन नेचर होंगी, मतलब इनके अंदर फाइब्रोवैस्कुलर मटीरियल होगा, फाइबर्स होंगे, वेजल्स होंगी, ठीक है। इस तरह की ये अंदर की तरफ प्रोजेक्शंस देंगी। अब होगा क्या, क्योंकि ये फाइब्रोवैस्कुलर है तो इस वजह से जो निप्पल में से डिस्चार्ज आ रहा होगा वो ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा होगा, ठीक हो गया। अब ये प्री मेनोपॉजल वुमेन में अगर ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है तो इट मींस के हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये पेपिलरी इंट्राडक्टल पेपिलोमा है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा क्या कि उसमें फाइब्रोवैस्कुलर कोर होता है, उसमें से ब्लड बाहर आ सकता है, ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन हमें यह भी पता होगा कि एक पेपिलरी कार्सिनोमा भी होता है, उसमें भी ब्लड डिस्चार्ज हो रहा होता है, उसमें भी ब्लड डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि पेशेंट को पेपिलरी कार्सिनोमा है या इंट्राडक्टल पेपिलोमा है, क्योंकि निपल डिस्चार्ज जो ब्लडी होगा वो तो दोनों में आ रहा होगा। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो पेपिलरी कार्सिनोमा होगा उसमें मायोएपिथेलियल सेल्स नहीं होंगे, ठीक हो गया। जब हम बायोप्सी करवाएंगे तो हमें मायोएपिथेलियल सेल्स पेपिलरी कार्सिनोमा में नहीं मिलेंगे, जबकि इंट्राडक्टल पेपिलोमा में हमें मायोएपिथेलियल सेल्स नीचे मिल रहे होंगे अलॉन्ग विद द ल्यूमिनल एपिथेलियल सेल्स। लेकिन पेपिलरी प्रोजेक्शन दोनों में होंगी, ब्लड डिस्चार्ज दोनों में होगा। डिफ्रेंशिएटिंग चीज़ सिर्फ यही है, याद रखना है कि पेपिलरी कार्सिनोमा में मायोएपिथेलियल सेल्स नहीं होते, ठीक है। और ये है कि वैसे तो ये प्री मेनोपॉजल वुमेन में होता है, ठीक है, ब्लडी डिस्चार्ज के अंदर इस तरह का आ रहा होता है, लेकिन जो पेपिलरी कार्सिनोमा होता है ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होता है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि आपने नोट करना है, पेशेंट से पूछना है आपको मेनोपॉज हो गया हुआ है या नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो अगर उसको मेनोपॉज हो गया होगा और ब्लड डिस्चार्ज हो रहा होगा, बायोप्सी में भी आपको मायोपिथेलियल सेल्स नहीं मिले, इट मींस दैट इट इज़ नॉट द इंट्राडक्टल पेपिलोमा, इट इज़ एक्चुअली पेपिलरी कार्सिनोमा। तो यही लिखा हुआ है बुक कि पेपिलरी ग्रोथ्स होती हैं लार्ज डक्ट के अंदर, फाइब्रोवैस्कुलर होती हैं, बाहर उसके ल्यूमिनल और मायोपिथेलियल सेल्स होते हैं, ब्लडी निपल डिस्चार्ज हो रहा होता है। इसको हमने डिस्टिंग्विश करना होता है पेपिलरी कार्सिनोमा में, बिकॉज उसमें भी ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा होता है निपल से। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उसमें मायोपिथेलियल सेल्स नहीं होते पेपिलरी कार्सिनोमा में, और पेपिलरी कार्सिनोमा में पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं, ठीक है। फिर आता है फाइब्रोएडिनोमा से आपको पता चल रहा है, आगे पीछे हमने फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस पढ़ी थी जिसमें फाइब्रोसिस थी और सिस्ट थे, यहाँ पे क्या होगा, फाइब्रोसिस होगी और ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ट्यूमर मिलेगा फाइब्रस टिश्यू का और ग्लैंड्स का, जो हमारे स्ट्रोमा में फाइब्रस टिश्यू है उसका हमें ट्यूमर मिलेगा ग्लैंड्स और फाइब्रस टिश्यू का।
अब ये बिनाइन न्यूप्लाज्म है हमारे ब्रेस्ट का, प्री मीनोपॉजल वुमेन में हमें मिलेगा, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होगा और मोबाइल मार्बल लाइक मास होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जब हम हाथ लगाते हैं ना अंदर तो ये हिल रहा होता है, मोबाइल होता है, ठीक हो गया। ईस्ट्रोजन सेंसिटिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे ही पेशेंट जो है वो प्रेगनेंसी होती है उसकी, तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो इसमें पेन भी होती है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा होता है कि जैसे जैसे ब्रेस्ट की चेंजेस आ रही हैं साथ साथ ये भी बढ़ता कम हो रहा है, ठीक है, रिग्रेस कर रहा है। जैसे ही पेशेंट जो है प्री मेनोपॉजल में है ना, पोस्ट मेनोपॉजल में जाएगा तो ये खुद ही रिग्रेस कर जाता है फाइब्रोएडिनोमा। इससे पता चला कि ईस्ट्रोजन से ये बढ़ता है, ईस्ट्रोजन के कम होने से ये कम होता है, ठीक है। ये बिनाइन होता है और इसमें कोई रिस्क कार्सिनोमा का नहीं होता, तो पेशेंट को डराना नहीं है कि इसको निकलवा दो वरना कैंसर हो जाएगा, ठीक है, नहीं, बिकॉज इसका जो है रिस्क नहीं होता कार्सिनोमा का, ठीक हो गया। फिर आती है फाइलॉइड ट्यूमर। अब फाइलॉइड ट्यूमर जो होता है ये भी हमारे पास बिनाइन ही ट्यूमर होता है, फाइब्रोएडिनोमा लाइक ट्यूमर होता है, तो हमने डिस्टिंग्विश करना होता है कि पेशेंट को फाइलॉइड ट्यूमर है या फाइब्रोएडिनोमा। तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस ये आता है फाइलॉइड ट्यूमर का कि इसमें फाइब्रस कॉम्पोनेंट ज़्यादा होता है, उसमें ग्लैंड्स भी थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइब्रस कॉम्पोनेंट की ओवरग्रोथ होगी। दूसरा ये कि बायोप्सी में हमें लीफ लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे, इसलिए हम इसको फाइलॉइड ट्यूमर कहते हैं। और तीसरी हमारे पास चेंज ये होगा कि ये पोस्ट मीनोपॉजल वमेन में है, जबकि जो हमारे पास फाइब्रोएडिनोमा था वो प्री मीनोपॉजल वमेन में था। तो डिफरेंसेस देख लें, और ये मेलिग्नेंट भी हो सकता है, जबकि फाइब्रोएडिनोमा जो है वो बहुत मासूम सा था, वो मेलिग्नेंट नहीं था। तो ये डिफरेंसेस हैं। इसको इस तरह से फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस आपको मिलती हैं ब्रेस्ट के अंदर, और इसमें ब्लू डोम अपीयरेंस इस तरह से आती है, ऐसे लगता है जैसे नीला गुंबद है इस तरह करके ना, ये इस तरह से ब्लू डोम अपीयरेंस आती है इसकी फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस की, जब हम इसको ग्रॉसली देखते हैं, सिस्ट जो बनी होती है ना उसकी। और ये इंट्राडक्टल पेपिलोमा इस तरह से बना होता है डक्ट के अंदर। दिस इज़ अ फाइब्रोएडिनोमा जिसमें हमारे पास फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा होता है और ग्लैंड ज़्यादा होते हैं। फाइलॉइड ट्यूमर को अगर हम देखें तो इसमें लीफ लाइक एपिथीलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, एपिथीलियल सेल्स लीफ लाइक होते हैं, लार्ज डक्ट्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से लीफ लाइक अपेरेंस में ये इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, लीफ लाइक मैटर में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये कैंसर की तरफ इसका प्रोग्रेशन ज़्यादा होता है, ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होता है, ठीक है। इसमें फाइब्रस कॉम्पोनेंट जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, उसकी वजह से लीफ लाइक कैरेक्टरिस्टिक आती है। तो बिनाइन कंडीशन के बाद हमारे पास आता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ना ये दो तरह का होता है, एक स्पोरैडिक फॉर्म होती है इसकी, ठीक है, और एक इसकी फैमिलियल फॉर्म होती है। फैमिलियल फॉर्म जो होती है वो फैमिलीज में रन कर रही होती है, जीन्स के साथ एसोसिएशन होती है इसकी। मोस्टली मैं अगर आपको बताऊँ तो बर्सा 1 बर्सा 2, ठीक है, इनके साथ मोस्टली एसोसिएशन होती है फैमिलियल कैंसर की ना। और स्पोरैडिक कैंसर जो होता है ये हमारे पास मतलब फैमिली में रन नहीं कर रहा होता, ये डीनोवो एक किस्म का होता है। और उसकी क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि अगर फीमेल्स की बात की जाए तो स्किन कैंसर के बाद मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा जो होता है वुमेन में वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। और आजकल तो आपको पता है बहुत ज़्यादा हो गया, और सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है ये कैंसर की मोर्टेलिटी इन द वुमेन, ठीक है, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है। उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, फीमेल जेंडर में ये ज़्यादा कॉमन होती है। जेंडर की बात की जाए तो मेल्स में तो ये कॉमन नहीं है, फीमेल्स में कॉमन है। एज की बात की जाए तो ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में कॉमन है। स्पोरैडिक की बात की जा रही है, जो फेमिलियल हो गई ब्रेस्ट कैंसर वो तो पहले भी हो सकता है ना। उसके बाद हमारे पास आता है अर्ली मेनार्की और लेट मेनोपॉज। ये वो वाली कंडीशन आ जाती है कि जितना ज़्यादा ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर होगा ना उतना ज़्यादा रिस्क जो है कैंसर का बढ़ जाएगा, ये तो आपने याद रखना है। अब अर्ली मेनार्की में क्या होता है, जल्दी मेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, और लेट मीनोपॉज मीन्स के बहुत लेट तक मेंसेस रहते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी को आठ नौ साल में मेंसेस आ गए हैं और जाके उसको जो है वो कर लेते हैं 60 साल की उम्र में जाके उसके मेंसेस ख़त्म हो रहे हैं, तो अब उसका ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर एक नॉर्मल फीमेल का जो 11 ईयर्स से लेके नॉर्मली 45 ईयर्स तक की फ़ीमेल का है उससे तो ज़्यादा हो गया ना ईस्ट्रोजन एक्सपोजर, ठीक है, ओवोल्यूशन वगैरह। तो इस वजह से उसके अंदर ज़्यादा रिस्क होगा अर्ली मेनार्की लेट मीनोपॉज वाली वुमेन के अंदर, ठीक है। ओबेसिटी के अंदर क्यों रिस्क ज़्यादा होगा, ओबेसिटी में भी आपको पता है फैट जो होती है मोस्टली जो पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन होती है ना, वैसे तो ओबेसिटी जो होती है ये मतलब अच्छी होती है, मतलब अच्छी सेंस में होती है कि प्री मीनोपॉजल वुमेन के लिए ओबेसिटी अच्छी होती है, बिकॉज आपको पता है ओबेसिटी जो होती है ये पीकॉज की तरफ लेके जाती है और उसमें फिर एनोवुलेटरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स की, वो भी एक बीमारी ही है, लेकिन ये है कि ब्रेस्ट कैंसर से वो वाली वुमेन जो है वो महफूज रहती हैं। लेकिन जो
पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन होती है उसमें ओबेसिटी जो होता है ना वो गलत होता है फिर, कि ओबेसिटी में क्या होता है ईस्ट्रोजन जो है वो आपको पता है ओबेसिटी में ईस्ट्रोजन एंड्रोजन्स फिर ईस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से ओबेसिटी इज़ अ रिस्क फॉर द ब्रेस्ट कैंसर इन द पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन वेदर वाइल द इट इज़ एक्चुअली प्रोटेक्टिव इन केस ऑफ प्री मीनोपॉजल वुमेन। ठीक है, तो ये होता है ए टिपिकल हाइपरप्लेसिया। पीछे हमने फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस पढ़ी हैं और उसमें हमने देखा था कि जो ए टिपिकल हाइपरप्लेसिया के साथ अगर फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस आती हैं तो 5 times इंक्रीज रिस्क होता है इसका कैंसर का। तो ये भी इसका रिस्क फैक्टर हो गया है। रिस्क फैक्टर्स आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स अगर मदर सिस्टर या डॉटर को जो है ये होता है तो ये मैंने आपको बता दिया फैमिलियल केस होता है ये वाला, जीन्स में रन कर रहा होता है। तो इस तरह से ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट से हम कैंसर को इंशाल्लाह करते हैं।